स्टूडेंट वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिराम। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? देखिए, जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं, जितने भी स्टूडेंट EMRS UP SSSC किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट देते रहिए। कॉमर्स में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, बाकी अदर सब्जेक्ट तो आप पढ़ते ही रहते हैं साल भर, आपको कॉमर्स में अच्छा मार्क्स गेन करना है और एफर्ट लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप सबके एग्ज़ाम जल्दी ही लिए जाएंगे। आज की जो क्लास है वो न्यूमेरिकल्स की क्लास है। लेबर कॉस्ट आपका एक चैप्टर है, कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका एक चैप्टर है लेबर कॉस्ट, ठीक है, श्रम लागत। इसका थियरी और प्लस MCQ, ठीक है, ये पूरा कोर्स, जितने लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, जितने भी स्टूडेंट, उन सभी लोगों को इसका MCQ प्लस थियरी, ये सारी चीज़ें कवर कराई जा चुकी हैं। और इसका न्यूमेरिकल्स पोर्शन आज मैं इस क्लास में कवर कराऊँगा। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग से न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं, जितना आपकी थियरी पूछी जाती है MCQ फॉर्मेट में, उतना आपसे न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछा जाता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे, हर चैप्टर में आपको एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही ट्रेंडिंग है, मतलब हमेशा आते ही आते हैं, पूछे जाते हैं। तो लेबर कॉस्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आज हम लोग उसको टोटल पूरा कवर करेंगे, श्रम लागत से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्नों को। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी लोग बिहार लेखपाल बिहार बिजली विभाग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज क्लास करना चाहते हैं, देखिए इसकी क्लासेस बहुत पहले से हमारे यहाँ चल रही है, डिटेल में सारी क्लासेस कवर कराई जा रही हैं। अभी अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको 130 प्लस क्लास लेक्चर प्लस नोट्स प्लस मैराथन क्लास, उसका नोट्स लगभग 2000 पन्ने का आपको नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में आपको मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज़ भी आप सभी लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है, टेस्ट सीरीज़ भी आप लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के साथ आपके ईबुक जो है लेखपाल और बिजली विभाग दोनों के लिए वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। तो देखिए, ये टेस्ट सीरीज़ और कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, जो गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये ऐप जिस नाम से एजुकेशनल चैनल है, इसी नाम से आपको एप्लीकेशन भी मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, देन आप इस कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, या कोई भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो टुडे इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे इट्स एम्प्लॉई। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, विनिर्माण कंपनी है, जो अपने एम्प्लॉई को पे कर रही है। क्या पे कर रही है? प्रति घंटे के हिसाब से वो सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉई को, पर आवर के हिसाब से। और यहाँ पर डेटा दिया गया है जो विशिष्ट अवधि के लिए जो पे किया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है, कितना कितना दिया जा रहा है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ये डेटा आपके सामने है। यहाँ कह रहा है कि कर्मचारी ए को 500 रुपये पर घंटे के हिसाब से दिया जा रहा है, मतलब एम्प्लॉई ए है वो 500 रुपये उसे मिल रहा है पर घंटे के हिसाब से, और वो टोटल 40 घंटे काम कर रहा है। फर्स्ट हो गया। सेकंड बी है, उसे 550 रुपये पर घंटे के हिसाब से मिल रहा है, बी को 50 रुपये ज़्यादा मिल रहा है इसे, और वो 38 घंटे ही मात्र काम कर रहा है, 2 घंटे कम काम कर रहा है इसे। एम्प्लॉई सी है, वो 450 रुपये पर घंटे के हिसाब से इसे मिल रहा है, सबसे कम पैसा इसे ही मिल रहा है, ये सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, 42 घंटे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि अवधि के लिए कुल प्रत्यक्ष श्रम लागत की गणना कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपसे पूछा जा रहा है, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपसे निकालने को कह रहा है। तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी ये एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, और जितने भी श्रमिक, जितने भी लेबर जो उत्पादन प्रक्रिया में जुड़े रहते हैं, जो प्रोडक्शन सर्कल से जुड़े रहते हैं, मतलब किसी फैक्ट्री में अगर कोई चीज़ यूनिट, कोई भी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, जैसे टी शर्ट बन रहा है या शर्ट ही बन रहा है, ठीक है, ये कंपनी, तो जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जैसे वर्कर हो गया, ठीक है, वर्कर जो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनकी सैलरी वगैरह हो गया, उनका ओवर टाइम हो गया, बोनस हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आपकी आएंगी, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, जैसे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, जैसे सुपरवाइज़र है, वो प्रोडक्ट को बनाता नहीं है, उसकी देखरेख करता है, बहुत सारी चीज़ें उसके भी वर्क होते हैं, वो सीधा उत्पादन प्रक्रिया से नहीं जुड़ा रहता है। सुपरवाइज़र हो गया, और भी बहुत सारे, जैसे गार्ड हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इन सबकी जो सैलरी वगैरह होती है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पर घंटे के हिसाब से इन सबका मजदूरी दिया गया है, एम्प्लॉई ए बी सी का, और जितने जितने घंटे इन्होंने काम किया है, हम यहाँ पे इन सभी का, इनका वेजेस हम निकाल लेंगे। तो देखिए, 500 रुपये इसे पर घंटे मिल रहा था, अगर ये 40 घंटे लगातार काम करता, ये 40 घंटे अगर इसने काम कर लिया, एक घंटे में 500 रुपये कमा रहा है, तो 40 घंटे में कितना कमाएगा? हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल 20,000 आएगा। तो एम्प्लॉई ए का जो वेजेस है, मजदूरी है, लेबर लेबर इसके कॉस्ट है, वो कितना आ रहा है? वो 20,000 रुपये आ रहा है। एम्प्लॉई बी का, ये 550 रुपये पा रहा है पर घंटे के हिसाब से, इसने 38 घंटे काम किया, तो इसे कितना मिलना चाहिए? तो इसे 20,900 रुपये इसकी टोटल मजदूरी बन रही है।
एम्प्लॉय सी का 450 रुपये पर घंटे के हिसाब से ये पा रहा है और ये 42 घंटे काम करेगा, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 18,900 हो जाएगा। इसमें नो डाउट है भाई, एक घंटे की मजदूरी दी गई है, आप 40 घंटे काम करोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ हमने टोटल यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ए बी सी तीनों का हमने निकाल लिया, आप तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 20,000 प्लस 20,900 प्लस 18,900, ये टोटल ऐड करने पे आपका 59,800 आएगा, और यही टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए बी सी से काम करवा रही है, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट तैयार करा रही है, तो ठीक है, तो वो 59,800 रुपये उसकी टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा। और ये ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं आता है। स्टूडेंट को डिफिकल्ट तब लगता है जब वो पढ़ता नहीं है, ठीक है, तैयारी अगर उसने नहीं किया हुआ है या चैप्टर उसने टच ही नहीं किया है तो वो नहीं लगा पाएगा, और जिसने थोड़ा बहुत भी अगर इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है कॉस्ट का तो वो तुरंत लगा लेगा इस तरह के क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 59,800 रुपये टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक कंपनी एक महीने के लिए श्रम से संबंधित निम्नलिखित खर्चे वहन करती है। मतलब एक कंपनी बहुत सारे खर्चे कर रही है, बहुत सारे खर्चे करती है लेबर से रिलेटेड, श्रम से संबंधित। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है उसका, 1,00,000 रुपये आ रहा है, यूनिट 100,000, 10,000, लैक, हाँ 1,00,000 आ रहा है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये 20,000 रुपये आ रहा है। पेरोल टैक्स ये आपका 10,000 आ रहा है। और एम्प्लॉय को जो बेनिफिट वगैरह दिया जाता है, जैसे बेनिफिट वगैरह क्या, जैसे उसका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह हो गया, कंपनी की तरफ से ये दिया जाता है, रिटायरमेंट के बाद भी उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, एक मुफ्त दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होते हैं आपके, तो ये 15,000 रुपये हैं, ओके। तो ये सारे डेटाज आपके सामने दिए गए हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष श्रम के प्रतिशत के रूप में श्रम ओवरहेड्स दर की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर जो है उसको परसेंटेज के रूप में मानते हुए, ठीक है, डायरेक्ट लेबर को परसेंटेज रेट, मतलब डायरेक्ट लेबर का जो भी परसेंटेज रेट आएगा उस आधार पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेबर ओवरहेड, मतलब लेबर चार्जेज जो आपके होंगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इन सभी खर्चों के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमारी जेब से चले जाते हैं तो वो हमारे ओवरहेड होते हैं, एक तरीके से इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम कह सकते हैं। तो जो लेबर ओवरहेड, मतलब जो हमारे अतिरिक्त खर्चे होते हैं श्रम के रूप में, वो हमें निकालना है इसमें, ठीक है, या तो हमें यहाँ पे लेबर ओवरहेड निकालना है। अब लेबर ओवरहेड होता क्या है, तो इसको एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये एक अतिरिक्त लागत होती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट को तैयार कराने में, किसी उत्पादन प्रक्रिया में एक्स्ट्रा कॉस्ट ही आपकी होती है, जो सीधा लेबर के सैलरी से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, उसके वेतन से संबंधित नहीं रहता है, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया के लिए ये आवश्यक होता है। जैसे जो भी लेबर हम अपनी कंपनी में रख रहे हैं उसको सबसे पहले हम क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेनिंग देंगे उस पर जितना भी हम भाई अदर टीचर्स को बुलाएंगे ट्रेनिंग देने के लिए, या जो भी होंगे ट्रेनिंग देने के लिए जो स्पेशल पर्सन होते हैं, ट्रेनेड पर्सन होते हैं, उनको हम एम्प्लॉय हायर करेंगे, ये हो गया। प्लस जितने भी एम्प्लॉय वगैरह हैं उनको खाने पीने का खर्चा देंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस सबके साथ साथ जितने भी लेबर हैं उनके लिए हम जैसे बहुत सारे जो स्वास्थ्य बीमा पेंशन योजनाएं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपने लेबर को प्रोवाइड कराएंगे। तो यही सब आपके क्या होते हैं, लेबर ओवरहेड होते हैं, श्रम ओवरहेड ये आपके होते हैं। तो हमें इस प्रत्यक्ष श्रम के प्रतिशत के रूप में हमें ये लेबर ओवरहेड क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, और जितने भी खर्चे हुए हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के, जितने भी डायरेक्ट खर्चे हुए हैं इन सबको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। तो इनडायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट लेबर, ठीक है, प्लस पेरोल टैक्सेस और प्लस एम्प्लॉई बेनिफिट्स, तो ये सभी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे लाइन से, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर 20,000, पेरोल टैक्सेस क्या होता है, जैसे एम्प्लॉई की सैलरी से, उसका जो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब बॉस, उसके अपने एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स के रूप में जो भी पैसे, मतलब उसकी सैलरी से काट कर उसको पेमेंट करता है, जो भी टैक्स काटता है वही आपका पेरोल टैक्सेस होता है, उसकी सैलरी से काटा जाता है एम्प्लॉय के, ठीक है। तो 10,000 ये भी है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो ये तीनों हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। टोटल इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा कितना, 20, 10, 30 और प्लस 15, 45,000 आ जाएगा। और लेबर ओवरहेड रेट, जैसा मैंने आपको कहा, ये एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो हम यहाँ इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी होती है, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है आपकी, तो हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम यहाँ पे छोड़ देंगे और बाकी सभी को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पे लेबर ओवरहेड हमसे पूछा है, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट लेबर चार्जेस हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसको हम छोड़कर ये तीनों हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों हमने जोड़ लिया, 45,000 आ गया। फिर आप सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो यही फार्मूला आपका लगेगा। लेबर ओवरहेड रेट इज इक्वल टू टोटल इनडायरेक्ट लेबर,
लेबर ओवरहेड रेट इज इक्वल टू टोटल इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ऊपर आपका टोटल रहेगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, नीचे आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। तो 45,000 अपॉन डायरेक्ट लेबर आपका कितना है, 1,00,000 है, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 ज़ीरो यहाँ से क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। 00 क्या हो गया, यहाँ से सेटिस्फाई हो गया, आपका 45% आया। यही आपका क्या आएगा आंसर, डायरेक्ट ओवर इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड रेट ये आपसे पूछा है, और ये आपका कितना आया है, 45%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये होता क्या है और कैसे ये क्वेश्चन लगते हैं। सिंपल मैंने बताया, सबसे पहले आप टोटल अप्रत्यक्ष श्रम लागत को ऐड कर लीजिए, अप्रत्यक्ष श्रम, पेरोल कर, कर्मचारी लाभ, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब लेबर ओवरहेड रेट हमें ये निकालना है, हम सीधा फार्मूला लगाएंगे, टोटल इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। 45,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45% आपका आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाँ, अ कंपनी बजट 500 आवर्स ऑफ लेबर एट अ रेट ऑफ 1000 आवर्स ऑफ फॉर अ प्रोजेक्ट। एक कंपनी ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट के लिए एम्प्लॉयर को मतलब वर्कर्स को उन्होंने हायर किया, ठीक है। अब कंपनी ने अपना बजट बनाया पूरी तरीके से उस प्रोजेक्ट के लिए कि 1,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से, ठीक है, 1,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से वो मजदूरी देंगे। अब 500 घंटे का उन्होंने श्रम के लिए बजट बनाया। क्वेश्चन समझिए, थोड़ा टिपिकल है। कंपनी ने अपना जब बजट बनाया तो वो 1,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से लेबर को देगी, पहली बात। दूसरा, 500 घंटे उस वर्कर से काम लेगी। अब चाहे जितने वर्कर हों, अगर 10 वर्कर हैं तो सभी के हिसाब से जैसा भी हो सभी से मिला के 500 घंटे वो क्या लेगी, वर्क लेगी। तो 500 श्रम घंटे का उसने बजट बनाया कि भैया 500 घंटे का ही मेरे पास पैसा है, उससे ज़्यादा नहीं है। और कंपनी का एक्चुअल में जो उसने पैसा खर्चा किया, ठीक है, अपना भाई प्रोजेक्ट पे उसने जो वर्कर को रखा, लेबर को रखा, तो 1200 रुपये पर घंटे के हिसाब से कंपनी ने रखा। और जबकि कंपनी ने बजट बनाया था 1,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से उसे मजदूरी दी जाएगी, लेकिन कंपनी 1200 रुपये पर घंटे के हिसाब से दे रही है। यहाँ पे कंपनी 500 घंटे का इसने बजट बनाया था कि उस सभी लेबर, जितने भी लेबर रखे जाएंगे, 500 घंटे का ही मजदूरी में दिया जाएगा, लेकिन कंपनी ने एक्चुअल 550 घंटे टोटल, ठीक है, वास्तविक दर 500 घंटे, 550 घंटे काम लिया सभी लेबर से। तो यहाँ पे कह रहा है श्रम दर विचरण या श्रम दक्षता विचरण की गणना कीजिए। अब ये क्या होता है, ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। देखिए ये होता है कि कंपनी ने जितना बजट बनाया था, अगर उससे ज़्यादा अगर कंपनी का पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, जिससे उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर लेबर कॉस्ट कम रहेगा तो कोई भी प्रोडक्ट आप तैयार करा रहे हैं तो उसका जब मतलब बिक्री लागत जो भी आप डिसाइड करेंगे वो भी लगभग कम ही रहेगा, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग भी कम आएगी। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब उसकी दक्षता, भाई अगर लेबर 8 घंटे के काम को 12 घंटे में कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ही वीक है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। या चलिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले बजट लेबर कॉस्ट कितना है इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो बजट आवर 500 रुपये पर घंटे के हिसाब से कंपनी ने डिसाइड किया था, और कंपनी 1,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से कंपनी दे रही है, और 500 घंटे कंपनी ने काम करने का डिसाइड लिया था उस प्रोजेक्ट पे। तो टोटल अगर उस हिसाब से खर्चा जो बैठता बजट के हिसाब से तो 5,00,000 बैठता, ठीक है। एक्चुअल में कंपनी का कितना खर्चा हुआ है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल में कंपनी ने 550 घंटे काम लिया है लेबर से, और 1200 रुपये पर घंटे के हिसाब से इन्होंने मजदूरी पे किया है। एक्चुअल में 660,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, जो चीज़ कंपनी के बजट में 5,00,000 था वो 660,000 खर्चा आ रहा है। ओके या तो यहाँ पे हम लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला लगा देंगे, एक्चुअल रेट माइनस बजटेड रेट, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इनटू एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। तो एक्चुअल रेट कंपनी ने 1200 रुपये खर्च किया, और कंपनी ने बजट बनाया था कि 1,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। और एक्चुअल में कंपनी ने कितना घंटा काम लिया है, 550 घंटा काम लिया है। सॉल्व करेंगे तो कंपनी का 1,10,000 आ रहा है, ये एक्स्ट्रा खर्चा कंपनी का आ रहा है, मतलब जो चीज़ें 1,05,000 में हो जानी चाहिए 60,00,000 टोटल 660,000 खर्चा हो रहा है, ठीक है। और अगर हम वेरिएंस यहाँ पे निकालेंगे, लेबर रेट वेरिएंस निकालेंगे, तो 1,10,000 आ रहा है, और ये अनफेवरेबल कंडीशन बताएगा, मतलब कंपनी ने जितना टारगेट रखा था उससे ज़्यादा ही कंपनी का लेबर पे खर्चा आ रहा है, मतलब 1,10,000 ज़्यादा आ रहा है, और ये एक तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन बता रहा है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस
यहाँ पे निकाल लेते हैं फॉर्मूला, देखिए एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर और इनटू बजटेड रेट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके या तो यहाँ पे 550 घंटे कंपनी ने काम करने का निश्चय लिया था और 500 घंटे कंपनी ने 500 घंटे बजट बनाया था, ठीक है, लेकिन कंपनी ने 550 घंटे एक्चुअल में उसने काम करवाया, तो ये दोनों माइनस कर देंगे और 1000 रुपये पर घंटे के हिसाब से कंपनी ने बजट बनाया था मजदूरी देने का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50,000 आएगा। और ये भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, क्यों? क्योंकि 50,000 ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा काम कराया गया, ज़्यादा लेबर कॉस्ट आ रहा है, बजट से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा है, तो अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, लेबर वेरियंस कॉस्ट और आपका लेबर एफिशिएंसी कॉस्ट, ये पूछा जाएगा। इस तरीके के फार्मूला लगेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आप हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए ये नोट्स आपके कोर्स में अपडेट हो जाएगा, और जितने भी स्टूडेंट जो इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी को अगर ये इस क्लास का नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, और वहाँ पे मैसेज टाइप कर दीजिए नोट्स के लिए, हमारे जो ऑपरेटर है वो आपको इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ कंपनी प्रोड्यूस 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक कंपनी 1000 किसी प्रोडक्ट का 1000 यूनिट तैयार करा रही है, ठीक है, बनवा रही है एक कंपनी, और उत्पादन के लिए कुल प्रत्यक्ष श्रम लागत जो है वो 2.5 लाख रुपये है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2.5 लाख रुपये है। कह रहा है कि प्रति इकाई कुल श्रम लागत की गणना कीजिए, मतलब पर यूनिट के हिसाब से टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कितना आएगा, ठीक है, टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो बहुत छोटा सा आंसर है इसका, और बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए तो डिफ़िकल्ट होगा ही, लेकिन बहुत सिंपल है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से ये फॉर्मूला आपका लगेगा, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है, कितना उत्पाद, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर हम तैयार करा रहे हैं उसका कितना यूनिट हमने बनाया है, हमने प्रोड्यूस किया है, उससे डिवाइड कर देंगे, और टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो आ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, और टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, कितना उत्पादन इकाई हमने उत्पादित किया उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से क्या आएगा, 2.5 लाख अपॉन 1000, ये आपका 250 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आ रहा है, बहुत सिंपल है। अरे ये तो एक समय मैं कह सकता हूँ, ये तो आपका ओरली एक तरीके से आप लगा लेंगे, जैसे आप 4 एप्पल कितने में लेकर आए, 4 एप्पल 80 रुपये में लेकर आए, तो 1 एप्पल कितने में आप लेकर आए, 4 से डिवाइड कर देंगे 80 को, 20 रुपये आएगा, तो 1 एप्पल 20 का है, सेम वही क्वेश्चन है, यह है कि इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज रहता है, इसमें स्टूडेंट को वही प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फैक्ट्री ऑपरेट्स विद द फॉलोइंग लेबर डिटेल एज अ वीक फॉर ए वीक, एक फैक्ट्री जो है एक सप्ताह के लिए उसका जो यहाँ सारा जो डिटेल है, ठीक है, लेबर को लेकर, लेबर स्टेटमेंट को लेकर जो भी यहाँ पे डिटेल्स हैं सारे दिए गए हैं। कह रहा है कि सामान्य काम घंटे के लिए, मतलब नॉर्मल आवर्स वर्क, समान काम घंटे के लिए 40 घंटे के लिए, 40 घंटे के लिए, मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें 300 रुपये पर घंटे के हिसाब से लेबर को दिया जा रहा है, और सामान्य घंटे में अगर काम कराया जाए किसी लेबर से तो 40 घंटे कराया जा रहा है एक लेबर से। अगर कोई लेबर ओवर टाइम करता है, या सभी लेबर मिलकर, अगर जो भी सभी मिलकर लेबर ओवर टाइम कर रहे हैं, तो ओवर टाइम वर्क उन्होंने कितना किया है, उन्होंने टोटल 10 घंटे काम किया है, अब पर घंटे के हिसाब से 450 रुपये मजदूरी उन सबकी बनती है, ठीक है, ये कह रहा है इसमें ओवर टाइम की जो कॉस्ट है, और या नॉर्मल आवर्स वर्क कॉस्ट जो आपका आ रहा है, ठीक है, वो आपका 40 घंटे काम किया गया और 300 रुपये पर घंटे के हिसाब से दिया जा रहा है मजदूरी। तो यहाँ कह रहा है कि टोटल लेबर कॉस्ट निकालिए पूरे वीक का, पूरे सप्ताह का, सभी मजदूरों के लिए। तो इसको चलते हैं यहाँ पे लगाते हैं, सबसे पहले हम दोनों तरह के कॉस्ट को निकाल लेंगे, पहले सामान्य घंटे के लिए, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपका नॉर्मल आवर पीरियड क्या होगा, 4 10 से 4 बजे तक का, जैसे बैंक में जो लोग काम करते हैं 10 से 4 उनकी नॉर्मल ड्यूटी रहती है, तो वही है नॉर्मल, उनको जो सैलरी दिया जाएगा वो नॉर्मल लेबर कॉस्ट में आपका आएगा, और अगर वो 4 बजे के बाद भी बैंक वाले और भी काम कर रहे हैं रात के 10 10 बजे तक, तो उन्हें ओवर टाइम दिया जाएगा, ठीक है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो वो ओवर टाइम लेबर कॉस्ट आपका हो जाएगा, समझ में आ गया। अब नॉर्मल लेबर कॉस्ट फार्मूला लगाइए, नॉर्मल आवर्स इनटू नॉर्मल रेट, पर घंटे 300 रुपया दिया जा रहा है, 40 घंटे उन्होंने काम किया है, तो ये मल्टीप्लाई करके 12,000 आ गया। अब किसी एम्प्लॉय ने ओवर टाइम भी काम किया है, तो ओवर टाइम लेबर कॉस्ट, मतलब ओवर टाइम आवर्स इनटू ओवर टाइम रेट, 10 × 450 4,500 रुपया हो गया। ये एक्चुअल में किसी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, भाई वो नॉर्मल काम कर रहा है डेली बेसिस पे जो काम कर रहा है, 12,000 दिया जा रहा है, और प्लस अगर वो ओवर टाइम काम करेगा तो 4,500 और भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल लेबर कॉस्ट यहाँ पे निकाल लेंगे,
ठीक है, टोटल लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू नॉर्मल लेबर कॉस्ट ओवर टाइम लेबर कॉस्ट, दोनों ऐड कर देंगे 16,500 आएगा, ये आपका टोटल लेबर कॉस्ट आएगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन एग्जाम में आते हैं और आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे फास्ट कवर करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कंपनी 4,000 घंटे के आधार पर, ठीक है, 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से मजदूरी दे रही है अपने लेबर को, और उसने एक प्रोजेक्ट पे, ठीक है, टोटल 80,000 खर्च करने की उसने उम्मीद बनाई है। 80,000 होगा भी भाई, एक घंटे का 200 दिया जा रहा है, 400 घंटे के हिसाब से 80,000 खर्चा गिरेगा कंपनी का, लेबर चार्जेस इतने आएंगे, लेबर कॉस्ट इतना आएगा, ठीक है। एक्चुअल का कंपनी का कितना खर्चा आ रहा है एक्चुअल में, ये तो कंपनी ने बजट बनाया है, ठीक है। एक्चुअल में जो कंपनी का आ रहा है वो 400 घंटे की जगह कंपनी 450 घंटे काम करा रही है, और 90,000 कंपनी खर्च कर रही है। 80,000 का टारगेट था लेकिन 90,000 कंपनी खर्च कर रही है। तो श्रम दर विचरण और श्रम दक्षता विचरण की गणना कीजिए, ये पूछा गया है। लेबर वेरियंस, ठीक है, लेबर रेट वेरियंस और लेबर एफिशिएंसी वेरियंस हमें निकालना है, मतलब बजट के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा कंपनी का खर्चा हो रहा है, लेबर चार्जेस कितने आ रहे हैं, यही हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे बजटेड लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल लेंगे कितना खर्चा आ रहा है। तो बजटेड आवर, बजटेड रेट, 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से 400 घंटे काम किया गया है, तो टोटल 80,000 खर्चा आता टोटल कंपनी का बजट के अकॉर्डिंग। कंपनी का एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है उसको भी निकाल लेते हैं। एक्चुअल में ये तो दिया गया है 90,000, ये दिया गया एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो कंपनी का आ रहा है वो 90,000 आ रहा है। अब लेबर रेट वेरियंस हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या परिवर्तन हुआ है, बजट से कितना ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है, कितना कम खर्चा हुआ है एक्चुअल में, वो हम यहाँ पे लेबर रेट वेरियंस के रूप में निकालेंगे। तो एक्चुअल रेट माइनस बजटेड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको। एक्चुअल रेट, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्चुअल रेट निकाल लेते हैं। एक्चुअल रेट के लिए एक्चुअल कॉस्ट अपॉन एक्चुअल आवर्स ये हम डिवाइड कर देंगे। एक्चुअल रेट मतलब पर घंटे के हिसाब से, ठीक है, कितना एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है ये हमें निकालना है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया है टोटल जितना एक्चुअल में खर्चा गिर रहा है उस प्रोजेक्ट पे 90,000, और कंपनी 450 घंटे काम करा रही है सभी लेबर से, तो पर घंटे के हिसाब से सभी लेबर को कितना दिया जा रहा है, तो यही होता है एक्चुअल रेट। डिवाइड कर देंगे 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से सभी लेबर को उसकी मतलब पारिश्रमिक दी जाती है, वेजेस दी जाती है। अब लेबर रेट वेरियंस हम यहाँ पे निकाल लेंगे, एक्चुअल रेट माइनस बजटेड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पुट कर देते हैं, सभी यहाँ पे मानों को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो 200 माइनस 200 इनटू 450 एक्चुअल आवर्स, तो यहाँ पे जीरो आएगा और यहाँ पे नो वेरियंस, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पे नो चेंजिंग है, नो परिवर्तन होगा। ओके, और लेबर एफिशिएंसी ऐसे हम निकाल लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आवर्स आ जाएगा एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, यहाँ पे बजटेड रेट आपका हो जाएगा। तो 450 कंपनी ने ज़्यादा काम कराया है और 400 घंटे कंपनी का टारगेट था, और 200 रुपये बजटेड रेट, बजट के हिसाब से कंपनी ने 200 रुपये का बजट बनाया था, एक घंटे के 200 रुपये लेबर को देगी। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 10,000 रुपये आएगा, और ये 10,000 कंपनी का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, तो ये अनफेवरेबल आपका होगा, क्योंकि समय भी ज़्यादा है, समय ज़्यादा दिया जा रहा है ना, क्योंकि 400 घंटे के 450 घंटे काम कराया जा रहा है, तो इस हिसाब से ये 10,000 ज़्यादा आ रहा है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन होगा, ठीक है। कंपनी की दक्षता, एम्प्लॉई की जो एफिशिएंसी है वो वीक है, इसीलिए 10,000 का खर्चा और आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी क्या है 2,000 इकाइयां बनाती है, और टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसकी 4,00,000 रुपये है, तो प्रति इकाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या आएगा। सिंपल सा एक ही फॉर्मूले पे लगेगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अपॉन टोटल कितना यूनिट बनाया गया है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 4,00,000 रुपये टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट खर्चा आ रहा है, और कितना यूनिट कंपनी ने बनाया है 2,000 यूनिट बनाया है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो एक यूनिट पे कितना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ रहा है 200 रुपये आपका आ रहा है, यही हमें निकालना था। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, लेबर टर्नओवर रेशियो से क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपसे एक कंपनी एम्प्लॉय 100 वर्कर्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एक कंपनी में वर्ष की शुरुआत में 100 एम्प्लॉय थे, 100 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ वर्ष के दौरान, मतलब पूरे ईयर के बीच में 10 एम्प्लॉय काम छोड़कर चले गए और उनके जगह पे 15 एम्प्लॉय आ गया, ये कह रहा है। हमसे कह रहा है कि लेबर टर्नओवर रेशियो निकालिए। लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, पूरे वर्ष के दौरान जितने एम्प्लॉय जाते हैं, कुछ एम्प्लॉय नए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं का जो अनुपात होता है वही आपका लेबर टर्नओवर रेशियो आपका होता है, ठीक है, उन्हीं का अनुपात या उन्हीं का डिफरेंस ही आपका क्या होता है, लेबर टर्नओवर रेशियो आपका होता है।
यहाँ पे हमें निकालना है। तो सिंपल सी है, यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई कैलकुलेट करेंगे, औसत में कितने एम्प्लॉई इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, औसत निकालेंगे कितने एम्प्लॉई काम कर रहा है। तो शुरुआत में कितने थे प्लस अंत में कितने हैं, उनको दो से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आपका आ जाएगा। तो 100 प्लस 105 टू से डिवाइड कर दिया गया तो ये 102.5 आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसे आया इसको भी ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें बिगनिंग एम्प्लॉई प्लस एंडिंग एम्प्लॉई अपॉन टू, यहाँ पर हमें बिगनिंग एम्प्लॉई दिया है कि 100 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है ना कि वर्ष के अंत में कितने एम्प्लॉई बचे हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसको हम निकाल लेंगे। बिगनिंग मतलब 100 में बाई, इसको निकालने का फॉर्मूला, शुरुआत में कितने थे, कितने छोड़ कर गए उनको माइनस कर देंगे, कितने नए आए उनको प्लस कर देंगे। तो 100 शुरुआत में काम कर रहे थे, 10 छोड़ कर चले गए, 15 आए हैं तो उनको जोड़ देंगे, तो 10 में से 15 गया 5 आएगा और यहाँ पर 105 आपका आ जाएगा। और फिर हम इसी 105 को हम इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। बिगनिंग में 100 है, वर्ष के अंत में 105 है, दो से डिवाइड तो ये एवरेज आपका आ गया, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई आपका आ गया 102.5। अब लेबर टर्नओवर रेशियो हम यहाँ से निकाल लेंगे। लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन, कितने एम्प्लॉई कंपनी को छोड़कर चले गए उस वैल्यू को लिखेंगे, अपॉन उस कंपनी में कितने एम्प्लॉई एवरेज, मतलब एवरेज एम्प्लॉई हैं, कितने एम्प्लॉई एवरेज एम्प्लॉई मतलब औसत कितने एम्प्लॉई उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो ये हमारा यहाँ पे परसेंटेज के रूप में आ जाएगा। तो 110 एम्प्लॉई छोड़कर गए थे और 102.5 ये एवरेज अभी हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9.76% आएगा और ये लेबर टर्नओवर रेशियो आपका होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी अगर आपको चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है लेबर टर्न ओवर रेशियो से, एक बार और प्रैक्टिस करा देता हूँ, उससे आपका लगभग पूरा क्लियर हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है इसमें ज़रा ध्यान से देखें, कह रहा है कि एक कारखाने में प्रारंभ में टोटल 4000 लेबर थे, 4000 श्रमिक थे। कह रहा है 200 श्रमिक कंपनी को छोड़कर चले गए, सॉरी 200 श्रमिक नए भर्ती किए गए, नए जो लेबर अपॉइंट किए गए वो 200 हैं, और 100 क्या करिए वो कंपनी को कारखाने को छोड़कर चले गए। तो कह रहा है कि श्रम आवर्तन दर मतलब लेबर टर्नओवर रेट आपको निकालना है, ठीक है, आने और जाने वाले एम्प्लॉय लेबर का हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सिंपल सी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज लेबर इन फैक्ट्री इसको हम निकाल लेते हैं, कितने एम्प्लॉई औसत संख्या क्या है जो कारखाने में काम कर रहा है। अब फार्मूला क्या था एवरेज का, एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग में कितने एम्प्लॉई हैं, एंडिंग में कितने एम्प्लॉई हैं, टू से डिवाइड कर देंगे। ओपनिंग में 200 थे, ठीक है, सॉरी ओपनिंग में यहाँ पे आरंभ में 4000 है, और अंत में कितने थे हमने अभी निकालना ही है। तो यहाँ पे अंत में श्रमिकों की संख्या निकालने के लिए 4100 एम्प्लॉई आपके आएंगे। कैसे आएंगे, 4000 पहले थे, 200 नए भर्ती किए गए थे तो 4200 हो गया, और 100 छोड़कर चले गए तो 4100 हो गया कि नहीं हो गया। भाई 4000 शुरुआत में श्रमिक थे, 200 अगर आए हैं तो 100 चले गए, तो कितने नए भर्ती हुए हैं, 100 ही तो भर्ती हुए हैं। तो यहाँ पे इसको हमने कैलकुलेशन कर दिया, टोटल 4100 आपके अंत में, वर्ष के अंत में कितने एम्प्लॉई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो आपके कितने हैं, 4100 है, क्लियर। श्रमिकों की औसत संख्या में यहाँ पे निकाल लेते हैं, 4000 प्लस 4100 बटे 2, 8100 बटे 2 मतलब 4050 आपका आ जाएगा। कारखाने में औसत कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, 4050 ये आपका आ गया। कितने एम्प्लॉई छोड़कर जा रहे हैं लेबर, मतलब कितने लेबर छोड़कर जा रहे हैं कारखाने को, 100 एम्प्लॉई छोड़कर जा रहे हैं। तो लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सीधा, लेबर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, कितने एम्प्लॉई छोड़कर मतलब गए हैं और उनके जगह कितने एम्प्लॉई नए आए हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ये हो गया, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 100 अपॉन 4050 इंटू 100 इसको सॉल्व करेंगे तो 2.47% आएगा, यही आपका क्या होगा, लेबर टर्नओवर रेट आपका होगा, श्रमिक, ठीक है, प्रवर्तन अनुपात ये आपका होगा, ठीक है, श्रमिक आवर्तन दर तो इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो सभी क्वेश्चन आप क्लियर कर लोगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए, समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ में आया है पूरा सॉल्यूशन तो एक लाइक बनता है, तुरंत आप लाइक कर दीजिए आज की क्लास को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे जो बैचेस हैं वो पूरी तरीके से चल रहा है, डिटेल में सारी क्लासेस चल रही हैं, बिजली विभाग,
ठीक है, दिल्ली लेखपाल के लिए, यूपी SSSC के लिए, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो जिसमें कॉमर्स स्पेशली पूछा जाता है, उन सबकी क्लासेस हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप पे चल रही है। जितने लोगों को बैच ज्वाइन करना है, आप ऐप डाउनलोड करके इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर एंड गुड।